अगर आपने पीएफ का ट्रांसफर फॉर्म भरा है और वो पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस है, आप जानना चाहते हैं अब ये कब होगा क्या होगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉज के अंदर लॉकडाउन के चलते बहुत सारे नेगेटिव बदलाव हुए हैं और इन नेगेटिव बदलाव से आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके अलावा जो सरकार की योजनाएं हैं उनका आपको कैसे फ़ायदा मिल सकता है, कितना फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस का मतलब ये हुआ कि आपकी कंपनी ने फॉर्म पास कर दिया और अब वो पेंडिंग है पीएफ ऑफिस के अंदर में। ये जो फील्ड ऑफिस है इसका मतलब होता है पीएफ ऑफिस, फील्ड ऑफिस का मतलब है पीएफ ऑफिस, तो ये आपकी कंपनी से पास हो गया है और अब फील्ड ऑफिस में पेंडिंग है। इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है तो अगर पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस है तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी पीएफ ऑफिस इसको करेगा तभी ये प्रोसेस आगे होगा। तो पीएफ ऑफिस के पास अभी ज़्यादातर काम किस चीज़ के हैं, कोविड 19 के हैं, उसके बाद उन्हें 19 करना होता है, फिर 10C करना होता है और उसके बाद लास्ट में जाता है आपका ट्रांसफ़र फॉर्म। तो ट्रांसफ़र फॉर्म अगर आपका पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस है तो उसमें अभी जो है 15 से 30 दिन का टाइम लग सकता है। लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, मई की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आगे चल के ये स्थिति ठीक हो जाए। जब आपका ट्रांसफ़र मान लीजिए हो गया, सेटल होने का आपके पास मैसेज आ गया कि आपका ट्रांसफ़र फॉर्म सेटल हो चुका है, अब आपके पास जब नई पासबुक में एंट्री आ गई तो नई पासबुक में एंट्री आने के बाद लिखा रहता है क्लेम फॉर्म इज सब्जेक्ट टू वेरीफिकेशन। अब ये जो सब्जेक्ट टू वेरीफिकेशन वाली लाइन लिखी है, इस लाइन को हटने का आपको वेट करना है। ये जो वेरिफिकेशन वाली चीज़ है ये पीएफ ऑफिस के अंदर ही एक डिपार्टमेंट अलग से करता है, इस डिपार्टमेंट का काम होता है उस वेरिफिकेशन वाली लाइन को हटाने का। अब जब तक ये वेरिफिकेशन वाली लाइन वो हटाएंगे नहीं तब तक आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको वेट करना है उस सब्जेक्ट टू वेरीफिकेशन। पहले आपको वेट करना है कि वो पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस हट जाए, उसके बाद आपको वेट करना है कि सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हट जाए। जब ये पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस हट गया, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हट गया, तब आपका ट्रांसफ़र फॉर्म कंप्लीट हो गया। यहाँ पे और जो चीज़ें ध्यान रखनी है, सबसे पहला पॉइंट है कि आपकी पेंशन ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो ये एक जनरल चीज़ है, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि पेंशन हमारी ट्रांसफ़र नहीं हुई। पहला पॉइंट समझ गया, पेंशन ट्रांसफ़र नहीं होती, ऐसा नहीं है कि वो उसी में रहेगी, पैसे पेंशन ट्रांसफ़र हो चुकी है। डिटेल में समझना है अलग से वीडियो है, ठीक है। अगले पॉइंट हो गया कि सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, जब सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हट जाए उसके बाद आप ये विड्रॉल का फॉर्म भरेंगे तब आपका पूरा पूरा पीएफ का अमाउंट आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से वीडियोज़ और लोगों तक दिखाई जाती है और जब और लोगों तक दिखाई जाती है तो और लोगों का फ़ायदा होता है, और यही हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद।